नमो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणासन मंगलानंद सर्वेषु मंगल जय जगजीव जोड़ी जग गुरु जगानंदो जगनाथ जग मंदो जय जग भय जय सुयानो तीर्थयराण पश्चिमो जय जय गुरुनौदान वंदे महायसं महावान् महावीरं महान् अमरनराय मह्यं चरं तीर्थयरान्निवासते तत्त्वं सर्वार्थप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाने श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञान देविरांधानां ज्ञानांजन शलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गंधर्ववाद के इस विषय में आज हम यहाँ पर स्वद्रव्य और परद्रव्य ऐसे एक विचारणा करेंगे। स्वद्रव्य जो भी कोई एक लो उससे भिन्न परद्रव्य विरुद्ध हो जाता है। तो स्वद्रव्य अगर आप आकाश को ले रहे हो तो बाकी के सर्वद्रव्य उससे विरुद्ध कहलाएंगे। स्वद्रव्य अगर आपने उद्गल को ले लिया तो बाकी सिर्फ जो है उसके विरुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको कोई एक लेना है और इसके सामने कोई चार आए। अब पांचों द्रव्य हैं आप सभी जान चुके हैं, आकाश है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, उद्गल और जीवात्मा, ये हम सभी पहचान चुके हैं। आ गई बात सबको समझ में, द्रव्यों के लिस्ट के अंदर ये पांच फिक्स हो गए। अब अस्थि कायात्मक ही ये पांचों द्रव्य है इसलिए इनको हम अस्थि कायात्मक कहेंगे। क्यों अस्थि कायात्मक कहेंगे? प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है इसीलिए अस्थि कायात्मक कहना है। अभी आप छठा द्रव्य काल को बीच में नहीं लाएंगे, वह अस्थि कायात्मक नहीं है, प्रदेश समूहात्मक नहीं है। बस इतनी सी बात को बरोबर ध्यान में रखेंगे आप।
अरे ये बात समझ में, बोलिए चोरडिया जी कैसे बोलेंगे? आप बता रहे हैं महाराज स्वद्रव्य है और परद्रव्य है, तो स्वद्रव्य में यदि अपने पुद्गल को लेते हैं तो पुद्गल तो रूपी द्रव्य है और बाकी चार है जो वो आपके अरूपी आएगा। मैंने अभी आपको क्या कहा है, स्वद्रव्य में जिस किसी को लोगे उससे भिन्न सभी द्रव्य उसके विरोधी होंगे। हाँ बिल्कुल महाराज, सभी द्रव्य उसके विरोधी होंगे, ये बात ध्यान रखना है। अगर इधर आप पर द्रव्य लोगे तो इसका विरोधी ये हो गया, ये हो जाएगा। पर द्रव्य लोगे तो इसका विरोधी पर द्रव्य। अभी मत बोलिए आप बस। तो यहाँ पर ये नियम क्या है, नियम ये आ रहा है कौन किससे विरुद्ध है, कौन कौन विरुद्ध, कौन कौन विरुद्ध में आते हैं। तो आपने द्रव्य से द्रव्य रूप की बात की तो विरुद्ध बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप द्रव्य भी लिया, अब इसकी गुण भी ले सकते हैं, इसी तरह से आप इसके धर्म ले सकते हो। अब यहाँ धर्म का अर्थ अलग है, फिर इसकी पर्याय भी आप लेंगे, फिर ये जो है द्रव्य की पर्याय लेंगे, और ये गुण के पर्याय लेंगे सब। अब ऐसे ही व्यवस्था सबके साथ में बैठानी है। तो ये जो हमने लिस्ट यहाँ पर बनाया है, अब ठीक इसी तरह से सामने जो भी पर द्रव्य आएगा तो यहाँ द्रव्य के सामने आपने पर द्रव्य को लिया, यहाँ गुण के सामने पर गुण को लिया, यहाँ धर्म के सामने पर धर्म लिया, यहाँ पर्याय के सामने आपने पर पर्याय लिया, यहाँ पर द्रव्य की पर्याय ले गया। और यहाँ पर गुण की पर्याय लेंगे, जी अब आपको ख्याल में आना चाहिए क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं, क्यों पर द्रव्य की। तो द्रव्य का स्वरूप ही ऐसा है। द्रव्य कैसा है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, पदार्थ जो है वह द्रव्य गुण पर्यायात्मक अनिवार्य रूप से है ऐसा। अब किसकी किसकी पर्याय बनेगी, द्रव्य की भी पर्याय बनेगी, गुण की भी पर्याय बनेगी सब। तो एक तरफ हमने अगर स्व मतलब स्व अभिप्रेत, आपने जिसके बारे में बात करने का विचार करने का निर्णय किया हो वह आपके लिए स्व बन जाएगा। अब उससे विरोधी जो होंगे, पर जो होंगे वो बिल्कुल विरुद्ध बन जाएंगे, वो पर कहलाएंगे। इसलिए यहाँ पर यह नियम यहाँ बनाया गया है। अब इस नियम के आधार पर आपको ये ख्याल आ जाएगा, हम बात यहाँ पर किसकी करें, स्वद्रव्य के रूप में आपको लेना है। अगर आत्मा की बात आप करने जा रहे हो तो आत्मा से पर कौन कौन हो रहा है, शेष सभी चारों द्रव्य। आपने स्वगुण आत्मा द्रव्य लिया तो आत्मा के गुण जो है वो अब उससे पर द्रव्य के सभी गुण उससे विरुद्ध कहलाएंगे। अब यहाँ पर नियम क्या हुआ कि स्वधर्म आत्मा द्रव्य के धर्म जो है उससे पर द्रव्यों के धर्म विरुद्ध हो जाएंगे। अब कुछ विरुद्ध होंगे, कुछ समान रूप में भी रहेंगे, धर्म की बात आ रही है। नंबर चार पर स्वद्रव्य की पर्याय जो लेंगे अब उससे भिन्न पर द्रव्य की पर्याय होगी। नंबर सात छह देख रहे हैं, स्वद्रव्य के गुण की पर्याय जो लेंगे उससे पर द्रव्य के गुण की पर्याय सर्वथा विरुद्ध होगी।
आप पहले इधर समझने की कोशिश करिए तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। अब इधर देखिए, स्वद्रव्य का सद्भाव रहेगा उसी समय उसमें पर द्रव्य का अभाव रहेगा। तो पर द्रव्य के अभाव से भी स्वद्रव्य की सिद्धि होगी। आप पहले ध्यान से समझे मेहता जी, देखिए ध्यान से, आप दो तरीके से सिद्धि करने जा रहे हो। स्वद्रव्य की स्वस्वरूप में सिद्धि कर रहे हो, उसी समय पर द्रव्य के अभावात्मक रूप में भी उसी की सिद्धि होगी। अरे ख्याल में बोलिए, मेहता जी बोलिए। स्वद्रव्य से पदार्थ की सिद्धि करेंगे, उससे साथ साथ में पद्रव्य के अभाव से भी पदार्थ की सिद्धि करेंगे। क्या बोलना था आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्वद्रव्य में जब हम स्वद्रव्य स्वरूप की सिद्धि करेंगे, उसी समय पर द्रव्य के अभाव में भी उसी की सिद्धि अर्थात स्वद्रव्य की ही सिद्धि होगी। क्योंकि यही तरीका है, मैं भी आपको अगर मैं पुरुष हूं और दूसरी स्त्री है तो मेरे में पुरुष रूप में सिद्धि करेंगे, लेकिन मैं स्त्री नहीं हूं ये भी तो मेरी सिद्धि करनी होगी। अब दोनों तरफ से देखना है, जिस समय मैं पुरुष हूं उसी समय मैं स्त्री नहीं हूं ये भी आपको सिद्ध करना है। तो यहां पर हम अगर स्वद्रव्य के रूप में जिस विषय को ले रहे हैं, अभिप्रेत करना है, जिस किसी का अभिप्रेत कर रहे हो उससे विरोधी चार हो जाएंगे। अगर स्व में आकाश लोगे तो उससे विरोधी चार, स्व में धर्मास्ती कोई लोगे तो उससे विरोधी चार, स्व में अधर्मास्ती का लोगे तो उससे विरोधी चार, स्व में पुद्गल को ले लिया तो उससे विरोधी चार हो जाएंगे। तो पर का अभाव भी आएगा। स्व का सद्भाव जिस समय रहता है उसी समय पर का अभाव भी उसी में रहता है। तो स्व के सद्भाव से वस्तु की सिद्धि करते हो, उसी समय पर के अभाव से भी उसी वस्तु की सिद्धि होती है। ये बात बरोबर बैठनी चाहिए। ऐसा बोलेंगे महेंद्र भाई, સ્વદ્રવ્ય નીચ સિદ્ધિ થાય છે। अगर आप पर द्रव्य को सिद्ध करने जा रहे हैं तो इधर से स्व का अभाव पर में जाएगा। अब आपने ये अगर आत्मा लिया है तो इधर आकाश लिया है। अब अगर पर द्रव्य आत्मा से भिन्न आकाश है और आप आकाश की सिद्धि करने जा रहे हो तो आत्मा का अभाव आकाश में आना अनिवार्य है। तो ही आप आत्मा के अभावात्मक ऐसे आकाश द्रव्य की सिद्धि कर सकेंगे। अरे ख्याल में नीति बहन बोलिए। नीति बहन, हाँ जी बोलना। आप देखो, आप समझ सकते हो तो बोलिए। महाराज जी थोड़ा सा समझे हूँ कि जब हम स्वद्रव्य के स्वरूप की सिद्धि करेंगे तो उसमें पर द्रव्य का अभाव रहेगा, और जब हम पर द्रव्य को सिद्ध करेंगे के अभाव से भी स्वद्रव्य की ही सिद्धि होती है। ये बोलिए, दोनों वाक्य बोलना है। अगर आप पर द्रव्य की सिद्धि करते हो उसमें स्व का अभाव आना ही चाहिए था। अगर इधर आपने आत्मा को लिया है तो इधर बाकी के चार लिए तो बाकी के चारों का अभाव आत्मा में आएगा, आत्म द्रव्य की सिद्धि होगी। तो आपका फोकस किस पर है? आपने जिस पर फोकस रखा है उससे विरोधी जो हुआ उसका अभाव स्व में आना चाहिए। थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन स्यादवाद की मेथड ये है। स्यादवाद के अंदर जो सप्तभंगी बनती है
उसमें स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिसकी सिद्धि आप करते हो उसी समय दूसरे भंग में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका नास्ती बना अभाव भी उसमें सिद्ध करते हो। ये स्याद्वाद की मेथड है और स्याद्वाद ये बहुत अच्छा लॉजिकल सिस्टम है, सर बहुत लॉजिकल सिस्टम है, बिल्कुल ज्यूरिडिक्शन सिस्टम के अंदर जो फॉलो किया जाता है एक एक शब्द को पकड़ करके वहां चलते हैं तब, तो यहाँ पर भी आपको एक एक शब्द को पकड़ कर चलना है। आप निषेध कैसे करते हो लेकिन उसका निषेध इसमें आएगा, आकाश का निषेध आकाश में नहीं होगा, आकाश का निषेध आत्मा में होगा। अरे बात समझ में, आत्मा का निषेध आकाश में होगा, आत्मा का निषेध आत्मा में खुद में नहीं होगा। तो ये दोनों तरफ से आपको साइमल्टेनियसली एट ए टाइम सिद्ध करना है, ये साध्वाद की एक सिस्टम है, पद्धति है। नयवाद एक अलग विषय है, नयवाद जिस समय चलता है वो अपना सिद्ध कर देगा, वो दूसरे का गलत या दूसरे का अभाव या दूसरे का कुछ भी नहीं बोलेगा साहब, वो अपने बात करेगा, अपने को खुद को जिस एंगल से कहना है वो कह रहे। लेकिन स्याद्वाद की शब्दभंगी ये पद्धति है कि जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्वद्रव्य की सिद्धि करते हो उसी समय परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वह वैसा नहीं है, यह भी सिद्ध हो जाता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं पुरुष हूं तो उसी समय मैं स्त्री नहीं हूं, ये भी सिद्ध हो जाता है। जिस समय आपने कहा कि ये सोना है उसी समय आप ये कहोगे कि हाँ साहब ये पर धातु नहीं है, अन्य दूसरी कोई भी धातु नहीं है, सोना ही है। तो वहां पर ही लगाना सार्थक हुआ कि गलत हुआ, बोलिए सुनील भाई साहब बोलेंगे। सद्रव्यमा द्रव्यनी सिद्धि करिए छे त्यारे पर द्रव्यमा सद्रव्यनो अभाव थी सद्रव्यनी सिद्धि करवानी छे। वेरी गुड। अब आपको मैंने क्या पूछा है मेहता जी, वहां ही लगाना कि नहीं लगाना? ही लगाना का जो भी होता है वो ही लगा ही चाहिए। हाँ, ही लगाना अनिवार्य है। कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अरे भाई ये तो स्याद्वाद है, अनेकांत बात है, ही लगता भी है नहीं भी लगता है, ही नहीं लगाना चाहिए, ही लगाएंगे तो एकांतवाद हो जाएगा, ही नहीं लगाओगे तो ही स्याद्वाद होगा एकांतवाद होगा, ऐसी गलती करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मैं ही लगाऊं तो गलत होगा क्या? मैं पुरुष ही हूं, मैं स्त्री नहीं ही हूं, क्या गलत हुआ? कैसे गलत होगा? साधु साध्वी को ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिए कि साधु साध्वी को ब्रह्मचर्य पालना भी चाहिए, क्या बोलना चाहिए? विच इज द करेक्ट सेंटेंस, बोलिए माता जी बोलिए, आपको क्या लग रहा है? साधु साध्वी को ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिए, यह बराबर है। ब्रह्मचर्य पालना भी चाहिए, यह बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो है मतलब जिस तरह आपने कहा कि मैं पुरुष हूँ ही, पुरुष हूँ ही, ऐसा स्त्री हूँ ही नहीं, तो आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि मैं पुरुष ही हूँ मैं स्त्री नहीं हूँ, तो ही समझना चाहिए। ही जो है वह एवकार, वही स्याद्वाद की भाषा बन रही है, एवकारस्तु अवश्य प्रयोगः, एवकार जकार लगाना अनिवार्य है।
एसो पंच नमुकारो, नवकार मंत्र में आप देखिए छठे पद में एसो शब्द लगाया है। अब एसो नहीं लगाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, पंच नमुकारो गलत क्या हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। आपने ऊपर पांचों पद बोल दिए, अब ऐसो पंच नमुकारों की जगह पर पंच नमुकारों इतना ही लगायो। ऐसो नहीं लगाने से क्या नुकसान हो रहा है और ऐसो लगाने से क्या फायदा हो रहा है, बोलेंगे गौतम जी राठौर? ऐसो लगाने से जो पंच परमेष्ठी भगवान की व्याख्या की है वैसे ही भगवान होंगे तो उसको पंच नमुकार करेंगे। आप बरोबर अर्थ करिए सर। बोरा जी नरेंद्र जी आपको लगाना आएगा, ऐसो का अर्थ क्या करना है, बोलिए राहुल जी बोलिए। ये जकार पूर्वक हो गया, इन्हीं को किया हुआ एसो शब्द जो दिया है वो वहां पर एवकार ही अर्थ कर रहा है। क्या लगा है? पंच तो संख्या आगे है, अब पंच संख्या का आगे अर्थ कोई भी पांच ले लोगे, हमको तो पांच से मतलब है ना। अगर एसो न लगाए पंच नमुकारो ही शब्द रखे तो कोई भी पांच ले लो, पांच से मतलब है ना आपको, ये ले लो या वो ले लो या ये ले लो या वो ले लो या कोई भी ले लो, समझे कि नहीं। भविष्य में अनंत काल में भी कोई ऐसी गलती न कर दे, इसलिए ऐसो शब्द ऐसा एवकार जकार अर्थ में ऐसा फिक्स कर दिया है कि अनंत कोई गलती ना करे। इसलिए भी जोड़ दो, पांच करने हैं ना तो चलो भगवान में दो तो एक ले लो, गुरु में तीन है तो तीसरे आए लोगों ने जो बाहर आपको भी मालूम है ऐसा लोगों ने अर्थ बना करके बैठा दिया। अब बना करके बैठा दिया वो नौ पद नहीं वो तेरह पद करते हैं। नौ पद क्यों बोलना है सर, दस ग्यारह बारह तेरह और छोड़ दिए, उन्होंने तेरह पद कर दिए, कोई बारह पद करके बोल रहे, कोई ऐसा बोल रहे कोई वैसा बोल रहे, और फिर भी हमारे में चैदों में अक्कल नहीं आ रही है। ऐसा बोलने वाले को आप क्यों जाकर मानते हो? ना ना साहब शू खोटू छे नवकार तो नव पद तो बोले छे, पची भले ना वे बे वधारता होय तण वधारता होय तो एमने मर्जी साहेब, छे तो खरो नवकार तो एमने नवे पद तो एमने राख्या छे। हवे कोई दसमु बोल्यू के ग्यारमु बोल्यू तो बारमु बोल्यू तो आपने शू आंदो छे, भले ने ये गलती आप लोग करते हो। और फिर ऐसे लोग मानने लग जाते हैं, फिर ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं। अब प्रचार का जमाना है, टीवी है, माध्यम है, लोग बोलने लग जाएंगे तो आप भी स्वीकार करने लग जाओगे, ये गलती नहीं करनी है। ना साहब लोगों को सिमंदर स्वामी ने तो माने चले साहब, सिमंदर स्वामी नो मंदिर बांधियो, सिमंदर स्वामी ये गलती मत करो। आप कोई भी पांच लेने से कोई भी पांच ले लिया इसकी बात नहीं करनी, इसलिए ऐसो शब्द पंच की संख्या और ऊपर के पांच दो के बीच में ऐसो शब्द जोड़ा है। इधर नमो ओरियंतार नमो सिद्धार नमो आर्यन नमो विचार नमो ऐसो शरण दे दिया, देकर के बाद में ऐसो शब्द दिया। तो जो ऊपर की कंटिन्यूटी आ रही है पांचों की उसी के लिए ऐसो, ऐसो मतलब ये ही और ये ही और आगे दे दिया पंच, ये ही और ये ही पांच और एक पांच गुजराती में ए ज पांच। अब उधर कुछ भी नहीं करोगे, नवकार त्रिकाल नित्य है, कोई अपनी मर्जी से कोई कभी भी उसमें कोई भी कम ज्यादा कर दे नहीं चलेगा, और कोई करे वो मिथ्यामति है, कोई करे वो असत्य
है कोई करे उसको એટલે ગુજરાતી માં જેને કહેવાય કે બોબડી બાડી નું ખેતર નથી કોઈ ગમે તે આગું પાછું કરી લે ને કમ જાય લેકિન હમ જૈન હોતે હુએ નહીં સમજતે किसी ने आपके धर्म के अंदर कुछ भी कर दिया किसी ने जैन धर्म के महामंत्र में कुछ भी कर दिया और आप उसको बिगाड़ने वाले को भी कोई स्टेप नहीं ले रहे हो कुछ भी नहीं ले रहे हैं साहब। अब जाओ दूसरे दुनिया के अंदर बड़े धर्मों के अंदर कोई ऐसा करके दिखाए तो सही कहीं पर भी जा करके के अंदर कोई बोल के दिखाओ पता चल जाए करने का अधिकार किसने दिया है कौन देता है ऐसा अधिकार। यहां पर भी यही बात बैठ रही है तो जैसे वहां ऐसो शब्द को बरोबर दो के बीच में जुड़ा इधर पांचों के नाम दे दिए इधर आगे पंच की संख्या दे दी अब इधर नाम पद दे दिए इधर संख्या के बीच में ऐसो शब्द जुड़ा है तो ऐसो का ही इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ ये ही पांच कौन हरिहर सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये ही और इधर पंच के आगे लगाओ तो इधर लगाइए इन्हीं पांचों को किया हुआ नमस्कार। आप बहुत बड़े उदारवादी मत बन जाइए ये गलती करने जाओगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। त्रिकाल नित्य शाश्वत नवकार को शाश्वत अनंत काल तक चलाना है और आकर के किसी ने आकर के तो सूरत के किनारे पर कहीं पर गुजरात में कोई किसान हुआ था वो एक दिन नदी सूरत के रेलवे स्टेशन पर बैठा बोलता है मेरे को केवल ज्ञान हो गया और मेरे को केवल ज्ञान हो गया तो सिमंदर स्वामी ने कहा कि जा बेटा सबको केवल ज्ञान बांटता जा बांटता जा। तो वो कहता है कि चलो हूँ केवल ज्ञान बधाने डिस्ट्रीब्यूट करू छू प्रभावना करीन बधाने आपू छू और फिर वो सिमंदर स्वामी के नाम पर ही बोल रहा है उनका ही आधार दे करके बोल रहा है और फिर उन्होंने ही नवकार के अंदर तीन पद बढ़ा करके अपना भी जोड़ दिया उसके अंदर और ये हमारे जैन लोग कितने कमजोर है कितने कमजोर है ऐसी बातों को स्वीकार कर राजी हो जाते हैं तो कितना बड़ा विरोध होगा इसमें ऐसी गलती होने ही नहीं चाहिए था। चलो ठीक है मैंने तो एक प्रसंग बात आपको एग्जाम्पल दे दिया है वैसे यहां पर बैठे जो स्वद्रव्य है वही पर रूप में नहीं है जो पर रूप में है वह पर रूप में ही है वो स्वरूप में नहीं है। आप भार दे के बोलेंगे अभी मैं बोलता हूं धर्म आत्मा नित्य ही है आत्मा अनित्य है ही नहीं। मैंने क्या लिया अभी इसमें से धर्म लिया है अब आप बरोबर ही लगा करके बोलेंगे वहां पर अगर आप आत्मा को स्वद्रव्य के रूप में अभिप्रेत कर रहे हो तो आप बरोबर बोलिए वहां पर आत्मा नित्य ही है अनित्य है ही नहीं। आकाश को ले रहे हो तो आकाश के बारे में बोलिए आकाश नित्य ही है अनित्य है ही नहीं। तो है ही नहीं तो अभाव इसमें ही आएगा आकाश में ही आने वाला है जो अनित्य है उसका अभाव इसमें आया तब आकाश की नित्यता बनी जो अनित्य है उसका अभाव आत्मा में आया तो जिस समय आत्मा नित्य ही है उसी समय आत्मा अनित्य है ही नहीं। ध्यान से समझिए एक एक बात को एक एक शब्द को आपके बोलने में फर्क थोड़ा भी इधर उधर 19-20 भी नहीं होना चाहिए। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई कि क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है ऐसा मत सोचिए। आप अगर किसी वस्तु को खरीदने जा रहे हैं और मॉल के अंदर उसकी उन्होंने प्राइस लगाई 99 या 999 तो आपको 1 रुपया ज्यादा देना है या 99 ही देना है। अब आप ये सोच लो कि नहीं हमें शो फर्क पड़े जब आपने 1 रुपये बता रहे अब एक दिन के अंदर रोज 1000 लोग अगर उसी मॉल से खरीदने वाले 1-1 रुपया ज्यादा देते रहेंगे तो उस मॉल वाले को तो एक्स्ट्रा 1-1 रुपया करके रोज के 1000 रुपये तो यही हो गए
एक महीने के कितने हुए, एक बरस के कितने हुए, उसका तो कुछ भी नहीं गया, वो तो MRP 99 ही लिखेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई आप 99 दीजिए ना, हम कहा ना कह रहे, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप पूरे 100 दीजिए। फायदा उनको है कि आपको है। अब आपने छोड़ा, झंझट छोड़ो ना भाई साहब, एक रुपए में कहां चिल्लर लाओ, कहां से लाओ, कैसे लाओ करके, ये वहां पर उन्होंने जब लिखा है तो वही लिखा है। मैं आपको पूछता हूँ मेहता जी, आप तो जो है CA है, तो आप चेक लिखते हो तो वहां पर ओनली शब्द, व्हाई यू आर यूजिंग दैट ओनली वर्ड फॉर देयर, क्या जरूरी है? ना कम ना ज्यादा, जितना पैसा देना है उतना ही लिखना है, इसीलिए ओनली शब्द की जरूर क्या है, क्यों जोड़ रहे हो? आप फिगर लिख रहे हो और फिर जो है अक्षरों में लिख रहे हो। इफ यू आर राइटिंग 10,000 तो फिर क्यों ओनली लिख रहे हो सर? अब ओनली का मीनिंग करने के लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट लेस देन दैट एंड नॉट मोर देन दैट। अब आपने दोनों तरफ नॉट लगा करके विरोधी किया कि नहीं किया, विरुद्ध अर्थ में लाए कि नहीं लाए मीनिंग को? नहीं तो आप 10,000 लिख करके ओनली नहीं लिखोगे तो कोई भी बोलेगा चलो थोड़ा सा इससे कम या थोड़ा ज्यादा। नहीं साहब, वहां पर एक भी कम ज्यादा कुछ भी नहीं चलता है। अब वही लॉजिकल लैंग्वेज यहाँ अपना ये सियादवाद, इट इज लॉजिकल मेथड है। सप्तभंगी सियादवाद के आधार पर सप्तभंगी जब बनेगी लॉजिकल अप्रोच में, बिल्कुल वही ही एकार आएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप ये मत सोचिए कि कुछ भी है, केवली की भाषा है, केवल ज्ञानी के शब्द है। भले ही केवल ज्ञानी ने श्रुत ज्ञान के शब्दों में भाषा का प्रयोग किया है तो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके बदले ये या इसके बदले ये, या थोड़ा इधर भी या थोड़ा उधर भी, थोड़ा हाँ भी सही थोड़ा ना भी सही। नहीं नहीं, साधु महाराज को ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिए, ऐसा 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 रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ भाई साहब, ऐसा बोलो ना। महावीर स्वामी ने तो अनेकांतवाद कहा है, महावीर स्वामी ने तो सियादवाद कहा है, तो क्या अनेकांत भी भाषा के अंदर ही निकाल कर भी लगाओ तो सियादवाद हो गया? ये बहुत कई पढ़े लिखे तो ऐसी मूर्खता करते हैं, कई लोग ऐसी गलती करते हैं। जब आप ही नहीं लगाओगे और भी लगा के राजी हो जाओगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। महावीर स्वामी ने तो सियादवाद की भाषा का प्रयोग किया, अनेकांतवाद, इसलिए आपने एम नहीं बोलू, आपने तो भी लगा रही है तो अनेकांतवाद था, ही लगा रिशो तो भी एकांतवाद थी। जैसे छाया बहन शु तमने एम लागे छे, क्या लग रहा है आपको? बराबर छे, ही लगाओ जो ये। हाँ, तो जब आप ही नहीं लगा के उल्टा कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। दीक्षा ले ले, संसार छोड़ दिया, साधु महाराज को ब्रह्मचर्य पालना भी चाहिए, तो इसका लोग दूसरा अर्थ कर लेंगे। अरे पाल हुए तो पाले, न पाल हुए तो न पाले, बेहुआ छे आपने सुहां, आपने तो साधु न वेशमा छे, ने पाले तो ही मानवा, न पाले तो ही मानवा, एवं छे कहीं? ऐसा अर्थ कर सकते हैं क्या? संसार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, उन्होंने महाव्रत ले लिए, अब साधु महाराज को रात को खाना ही नहीं चाहिए कि खाना भी नहीं चाहिए? अभी लगाओगे तो कल क्या अर्थ होगा सब? ये तो कॉमन सेंस में कोई भी समझ जाएगा। ना ना, वे कोई चीज न रेवा तू होए तो भले ने खाए साहब, आपने शु मतलब से? नहीं, ये नहीं चलेगा यहाँ। महावीर कान स्वामी के सिद्धांत बरोबर स्पष्ट सत्यात्मक है, अभी लगाओगे तो ही वो सत्य सही अर्थ में सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। आत्मा नित्य ही है कि आत्मा नित्य भी है? बोलो छाया बहन, सुन लगा रहो। आत्मा नित्य ही है क्या? अरे सुकाम लगा दी ही है, यहाँ सुकाम लगा रहो। अबे कौन है अनेकांतवाद छे? आत्मा नित्य भी है और आत्मा नित्य भी है तो क्या अर्थ करेंगे? जब आप नित्य भी बोलोगे और अनित्य भी बोलोगे तो दोनों का कारण बताना पड़ेगा, दोनों आधार देकर के आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। अब इतने मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं,
अब मैं उसको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। तो जब आप जिस किसी भी पदार्थ के बारे में बोलो तो बरोबर आप स्पष्ट करिए साहब। अब ये करने के लिए आपके पास स्वद्रव्य जब आपने लिया है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव, अब ये एक दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। अब इसके विरोधी चलिए साहब, ठीक इधर भी आपको यही चार देना है, पर द्रव्य तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये स्वस्य द्रव्य पर भिन्न हुआ। तो जिस समय आप इन चारों की अपेक्षा से अगर आपने इन चारों में से क्या लिया है, अब आपने द्रव्य लिया, गुण लिया, धर्म लिया, पर्याय ली, अब आपने क्या क्या लिया है, ठीक उसी समय ये चारों जब आपने ले लिए हैं तो ठीक इधर वापिस जो है चार ये आपके लिए पर से आ गए। तो इन चारों का, इन पर का इसमें अंदर अभाव और इन चारों का अपने आप में सद्भाव, ये इन चारों का अपने आप में सद्भाव और इन चारों का अभाव। आगे बात समझ में, इन चारों का जो है पर, जो पर है उन चारों का अभाव और स्वयं में स्व का सद्भाव, अपने गुण धर्म जो है वो तो अपने में घटने ही चाहिए लेकिन पर का अभाव भी साथ में घटना ही चाहिए, तभी जा करके उस द्रव्य की सिद्धि स्पष्ट होती है। अरे बात समझ में, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिस समय आत्मा का अस्तित्व है ठीक उसी समय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का नास्तित्व भी सिद्ध होता है। ये स्यादवाद के अंदर की सप्त भंगी में पहले दो ये भंग बनते हैं, आपको लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन इसके बिना नहीं चलेगा। अब एक एक को आप सेट करते जाइए, आपको ख्याल आ जाएगा, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जिस समय आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है उसी समय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का नास्तित्व भी सिद्ध होता है। वही एग्जाम्पल मैं वापिस देता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, ये मुझे ही सिद्ध कर रहा है। तो जिस समय आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है उसी समय आत्मा का पर रूप में नास्तित्व भी सिद्ध हो रहा है। आत्मा आत्मा ही है, आत्मा आकाश है ही नहीं, आत्मा पुद्गल नहीं है, आत्मा धर्मास्तिकाय नहीं है, आत्मा अधर्मास्तिकाय नहीं है, ये मैंने आपको द्रव्य से बताया। अब क्षेत्र से जिस समय आत्मा इस शरीर में है उस समय आत्मा पर क्षेत्र में नहीं है, ये भी आपको उतना ही स्पष्ट करना है। काल में 4:10 पर इस शरीर में जीव है और 4:20 पर जीव इस शरीर में नहीं है, दोनों बात तो आ गई। जब 4:10 पर जीव है तब आपको है ही बोलना पड़ेगा, लेकिन 4:12 आपने बोल दी हाँ सब नहीं है तो नहीं भी इसी शरीर में बोलना पड़ेगा, जिस शरीर में है उसी शरीर में अब नहीं है। क्यों भाई साहब, 2 का काल बदल गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है, अब आत्मा शरीर छोड़कर निकल गई, इस तरह से उसकी स्पष्टता सिद्ध होती है। इधर आप क्या बोलेंगे, भाव,
जिस समय आत्मा इस शरीर में है उस समय वो बोल रही है, हंस रही है, रो रही है, खा रही है, पी रही है, जो उसकी भावात्मकता आपको स्पष्ट हो रही है उसी समय आप बोलेंगे। उसके बाद के समय में जब आत्मा शरीर छोड़कर चले गए नहीं है तो ना बोलिए, स्पष्ट ना बोलिए, कोई ना नहीं। ऐसी बात यहां पर ये स्पष्ट रूप में करनी है। तो ये मेथड है, सिस्टम है। अब इस मेथड में इस तरीके से अब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अब पदार्थ जो अपने आप में है तो पदार्थ तो आप जानते हो कि अब इस समय मैंने यहाँ पर ये पदार्थ के रूप में यहाँ पर स्वद्रव्य, तो स्व से मैंने लिया है आत्मा। अब यहाँ पर इसी के लिए द्रव्य रूप से बात करिए एक तरीके से। नंबर दो से अब इसी का गुण धर्म गुण के रूप में बात करिए। अब इसी का तीसरे नंबर पर धर्म के रूप में बात करिए और इसी का चौथे प्रकार में पर्याय के रूप में बात करिए। आ रहे ख्याल में? देखिए स्वद्रव्य से आत्मा, तो आत्मा पहले द्रव्य रूप है कि नहीं है? इतने दिन तक हमने जो सिद्ध किया है वो बोलो छाए बहन केवो छे आत्मा द्रव्य थी केवो छे आत्मा स्वद्रव्य छे केम नथी सुपर बोलो ने आ द्रव्य छे साहेब केवो छे आ के नाम नथी पूछ्यो मैं। हाँ बोलिए पुष्पक राज जी बोलिए। पुष्पक जी अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ, जिसका प्रदेश समूहात्मक पिंड में अस्तित्व है ऐसा ज्ञान दर्शनात्मक चेतन द्रव्य ही आत्मा है। अभी आपको एक ही बोलना था, इतना ही बोलना है बस। प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप होने से आत्मा द्रव्य है। अब आत्मद्रव्य के प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है उसके बाद आपको गुण जोड़ना है, तब आप गुण से बोलना है, तो अब बोलिए ज्ञान दर्शनात्मक गुण वाला ही आत्मा है। मतलब क्या हुआ? जो ज्ञान दर्शनवादी गुण वाले नहीं है वैसा आत्मा नहीं है। आत्मा कभी भी ज्ञान दर्शनादि गुण रहित है ही नहीं, होता ही नहीं है। अब नीचे धर्म बोलिए, आत्मा त्रिकाल नित्य है, अनित्य है ही नहीं। धर्म जोड़िए, गुण में और धर्म में फर्क है थोड़ा सा। गुण जो है वो आत्मद्रव्य के मूलभूत मौखिक गुण है, वो दूसरे में नहीं जाएंगे। धर्म तो स्वयं में भी रहेंगे पर में भी जाएंगे। आकाश भी नित्य है, धर्मास्तिकाय भी नित्य है, धर्मास्तिकाय भी नित्य है, परमाणु भी नित्य है। तो नित्यत्व धर्म की समानता है तो समान रूप में रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब दूसरे द्रव्य आपको नित्य रूप में सिद्ध हो सकते हैं तो आत्मा को नित्य धर्म से क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं? दोनों तरफ बात बैठनी चाहिए। अब रही बात पर्याय की, आत्मा संसार में कभी भी पर्याय रहित है ही नहीं। जब भी आत्मा है तब उसने कोई ना कोई कोई नहीं कोई पर्याय अवश्य धारण करके रखी है। तो आत्मा संसारी पर्याय में हो तो भी आत्मद्रव्य है, सिद्ध पर्याय में हो तो भी आत्मद्रव्य है, या वो पशु पक्षी की पर्याय में है तो भी आत्मद्रव्य है, या स्त्री पुरुष की पर्याय में है तो भी आत्मद्रव्य है, या नरक नारकी या देव है तो भी पर्याय है। ये पर्याय अन्य किसी द्रव्य की नहीं होती है। आप स्त्री आकाश पुरुष आकाश नहीं बोलते हैं,
आकाश द्रव्य की धर्मास्थिका है, धर्मास्थिका है कि ये पर्याय होती ही नहीं है, तो ये पर्याय जिसकी होती है वही आत्मा द्रव्य है। समझ रहे हैं आप, बोलेंगे ध्यान से बोलेंगे साहब। जो स्त्री पुरुष आदि की पर्याय धारण करता है वही आत्मा है, जो आत्मा है ही नहीं वह कभी भी स्त्री पुरुष आदि की पर्याय धारण करेगा ही नहीं। जो आत्मा नहीं है वो कभी देव नारकी आदि की पर्याय धारण करता ही नहीं है। पर्याय दृष्टि से अन्य चारों द्रव्यों का अभाव भी आत्मा में ही आएगा। पहले कंसेप्ट नक्की कर लो, आत्मा द्रव्य की सिद्धि हो रही है, आत्मा द्रव्य की ही सिद्धि हम कर रहे हैं, तो स्वस्वरूप से भी सिद्धि और पर के अभाव से भी आत्मा की सिद्धि हो रही है। मैं भी समझता हूं कि आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अब मेरे पास भी तो कोई विकल्प नहीं है ना। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू मेक इट मोर सिंपलीफाई। अब एलकेजी वालों को एमए का लेसन देना मेरे लिए भी मूर्खता है, मैं भी समझता हूं, लेकिन अब दूसरा विकल्प ही नहीं है। आखिर केवली भगवान ने इसी तरीके से समझाया है, तो स्याजवाद की भाषा में ही केवली भगवान ने उसको सिद्ध किया है, तो पर का अभाव भी इसी में जाकर के इसी को सिद्ध करता है। अब आप चारों का अलग अलग बोल के एक एक के लिए पांच पांच सेंटेंस बनाते जाएंगे। आत्मा जब आत्मा है तब वह आत्मा द्रव्य ही है, आकाश द्रव्य नहीं है। आत्मा जब है तब ज्ञान दर्शन आदि गुणवान ही है, आत्मा अवगाहना प्रदाय गुणवान नहीं है। आत्मा जब है तब वह बरोबर नित्य ही है, अनित्य है ही नहीं। अब जो अनित्य है वो अनित्य है, इसमें कहना है अनित्यता किसमें घटेगी साहब? अनित्यता पुद्गल में घट जाएगी, उसको बरोबर आप कहिए कि हाँ सब पर पुद्गल द्रव्य अनित्य है, कोई ना नहीं है। अब यहाँ पर आत्मा पर्याय रूप में है, तो पर्याय रूप में कौन सा, क्योंकि व्यवहार पर्याय से करेंगे, आप उसको देंगे साहब पर्याय रूप में स्त्री है, पुरुष है, देव है, पशु है, नारकी है, पक्षी है, कीड़ी मकोड़े है, जो भी पर्याय है उस समय उसी पर्याय में आपको स्वीकृति देनी पड़ेगी। आप चल रहे हो, पैर आ गया और पैर के नीचे चींटी आ गई, जैसे ही आपका ध्यान गया आपने फटाक से पैर उठाया और फिर देखे नीचे बैठ गए, ध्यान से देख रहे हो, क्या बात है भाई, पैर चींटी पर पैर पड़ा या पैर के बीच की खाली जगह में चींटी आकर बच गई, तब आप देखोगे नहीं 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 ये तो चल रही है साहब, अब चलती हो गई तो मारा हिसाब है, जीव विराजना नहीं थी। अगर आपको जो है पैर उस पर पड़ गया, एड़ी आ गई, दब गई, चींटी मर गई, तो आपको जाकर गुरु महाराज के पास प्रायश्चित लेना पड़ेगा, साहब आज जीव हिंसा थी, जीव विराजना हुई है। तो गुरु महाराज पूछेंगे भाई जीव की पर्याय कौन सी थी, तो आपको बोलना पड़ेगा तेंद्रिय जीवनी पर्याय हती, ए तेंद्रिय किड़ी जीवनी इंसान रही थे, तो गुरु महाराज आपके लिए प्रायश्चित भी उसी करे, उसी हिसाब से देंगे साहब। अब माता ने अगर जाके गर्भपात कराया है, अबॉर्शन कराया है, तो फिर वो वहां पर जाके बोलेंगे जीव हिंसा हुई तो नहीं चलेगा, आप पर्याय बोलिए। आप जीव हिंसा बोलकर कॉमन रूप में जो है प्रायश्चित नहीं ले सकते हैं, किस जीव की हिंसा हुई है नाम बोलना, पर्याय का नाम बोलना पड़ेगा, कितने जीवों की हिंसा हुई है पर्याय का नाम बोलना पड़ेगा, संख्या के अंदर पूछा गया है तो संख्या का पर्याय देना पड़ेगा, आपने कहा कि आलू प्याज खाया है तो आलू प्याज कौन सी पर्याय है, साधारण वनस्पति का है। अब जीव हिंसा में गुरु महाराज को देखना भाई कितने जीव की हिंसा हुई, एक साथ में आपने अनंत जीवों की हिंसा की है, तो अनंत जीव की हिंसा का प्रायश्चित कितना आएगा, और आपने कहा कि नहीं मैंने तो भिंडी खाई है
तो भिंडी के अंदर 10 बीज थे तो 10 जीव की हिंसा का गणित करके गुरु महाराज प्रायश्चित देंगे। तो ये भिंडी कौन से, ये भी तो पर्याय है, तो ये पर्याय है, पर्याय तो कौन से पर्याय है आपको बिल्कुल निश्चित करना पड़ेगा। आप निश्चित नहीं करोगे तो फिर वहां पर प्रायश्चित के अंदर गुरु महाराज आपको कुछ भी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी प्रायश्चित ले वो अपना गणित निकाले, वो गणित निकाल करके जो संख्या आती है उस हिसाब से लेंगे साहब, तो आपको उस हिसाब से प्रायश्चित मिलेगा। अंधाधुंध आंख मुनकर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पर्याय सिर्फ जीव की ही होती है। अब आकाश में चले तो अब गुरु महाराज के पास जाके साहब मैं आकाश में चला इसका क्या प्रायश्चित आएगा? तो गुरु महाराज कहेंगे भाई इसमें कोई जीव विराजते नहीं, आकाश का प्रायश्चित नहीं आता है। किस आकाश में कहां चले हो, किस जीव की विराजना है उसका प्रायश्चित आएगा। धर्मास्थी काय का प्रायश्चित नहीं आता है। गति तो धर्मास्थी काय के सहयोग से ही होती है। अधर्मास्थी काय का प्रायश्चित नहीं आता है, पुद्गल का प्रायश्चित नहीं आता है। नहीं तो एक की मृत्यु हुई और 50-100 जने ले जाकर शमशान में जलाते हैं तो अब कौन प्रायश्चित लेगा साहब? और ऐसे कल अगर गुरु महाराज प्रायश्चित लगने देने लग जाए तो कोई शमशान यात्रा में नहीं जाएगा, तो वो अग्नि संस्कार ही नहीं करेगा फिर तो कोई भी नहीं करेगा। ना 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 ना, अपने प्रायश्चित आवे बाप रे, अग्नि संस्कार कर प्रायश्चित अपने जरूर नहीं जे जा। तो काले तमे मरसो तेरे तमारो अग्नि संस्कार कौन कर से? क्या रस्ते पर अखरता छोड़ देंगे आप? अब वहां पर क्या है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। अब शरीर आत्मा से, आत्मा ने शरीर छोड़कर निकल गई है तो ये शरीर अब पुद्गल का पिंड है, अजीब है, अब जड़ है, जड़ पुद्गल का पिंड है, तो इसमें आपको कोई प्रायश्चित नहीं आ रहा है। हाँ ये जरूर विवेक दिया है कि जितने जीव शरीर छोड़ के चले गए तो आप मिनिमम टाइम के अंदर 48 घंटे मिनट के अंदर जल्दी अग्नि संस्कार करो, दूसरे बैक्टीरिया उत्पन्न ना होता है, बात इतनी सी है। दूसरे जीव जंतु आकर उत्पन्न हो जाएंगे, फिर अग्नि संस्कार करोगे तो विराजना होगी, फिर आप करो के ना मारो दीकरो तो अगर काले आवशे तो काल सुधी तो राखू पड़से ने, वो अब आपके लिए बात अलग है। जो जीव इस शरीर में था उसकी विराजना नहीं हुई, ये शरीर छोड़कर चला गया, अब शरीर पुद्गल का पिंड अनित्य ही है। अब आपको यहाँ पर इस स्वरूप में इस अर्थ में समझना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसी बात को मैं समझाऊंगा और डिटेल में समझानी है, बहुत भेद होने वाले हैं। अब इतना मुझे करने जाने में टाइम पूरा हो जाता है, घड़ी बहुत फास्ट चलती है, रुकती नहीं है, सब क्या करूं। अब ऐसी स्थिति में जब ये सब क्या है, कंसेप्ट क्या है मेहता जी, स्व द्रव्य को स्व के रूप में सिद्ध करते हुए पर के अभावात्मक स्वरूप में भी उसी को सिद्ध करना है, ये आप समझिए पहले। तो स्व के रूप में तो हम सिद्ध कर ही रहे, तो स्व को स्व द्रव्य से, स्व क्षेत्र से, स्व काल से, स्व गुण से, स्व धर्म से, स्व पर्याय से, इन सब तरीकों से जब हम सिद्ध करेंगे ठीक उसी समय पर का अभाव भी इसी में सिद्ध होगा, क्योंकि स्व पर से विरुद्ध है, विरोधी गुण धर्म वाला है, तब उसी को सिद्ध करेंगे, उसको आत्मा को आकाश रूप में सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण रूप में मैं फिर समझाऊंगा, आत्मा के भी तो प्रदेश है, आत्मा भी तो प्रदेश समूह का पिंड है, आकाश भी तो प्रदेश समूह का पिंड है। कल समानार्थक दोनों की समानता प्रदेश समूहात्मक पिंड होने से, कल आप ये नहीं कहेंगे भाई सब कुछ भी बोल दो ना, सब प्रदेश समूहात पिंड है तो आत्मा भी है, आकाश भी है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, कुछ भी है तो कुछ भी बोल दो, नहीं। यहाँ पर बरोबर जो है कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से स्व का स्वरूप सिद्ध होगा, पर का अभाव कैसे सिद्ध होगा, ये मैं अगले क्लास में फिर करूंगा। तो ये थोड़ा सा होमवर्क करके रखना, पहले से थोड़ा सा समझ करके लेना, नहीं तो आगे तकलीफ आ जाएगी फिर आप समझने में।
क्योंकि ये गंधर्ववाद का विषय है, साल भर तक इसी लॉजिक के साथ हम इसको समझेंगे। अब साल लगे कि दो साल लगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी समझेंगे तो इसी लॉजिक से समझा जाएगा, और लॉजिक के अंदर 19-20 नहीं चलता है, बिल्कुल सही माप से ही लॉजिक होगा। आप थोड़ा सा भी इधर करके उधर करके उधर इधर से कुछ भी सिद्ध कर दो नहीं चलेगा। हमारी क्या है, हैबिट हो गई है वो प्रवचन सुनने की, तो प्रवचन स्टोरिकल ज्यादा होते हैं। अब स्टोरिकल ज्यादा होते हैं, चरित्रात्मक होते हैं, उद्देशात्मक होते हैं, तो वी आर हैबिटुअल विद दैट मेथड यू से। और ये आ गया है आपके सिर पर एकदम इतना भारी, और फिर जो है अभ्यास नहीं है, समझ नहीं है, लॉजिकल स्टडी नहीं है, तो हम जो है इसको जल्दी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं मेरा प्रयत्न पूरा करूंगा जितना हो सके उतना सरल करके आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश जरूर करूंगा। हाँ सब समय तो ऊपर हो गया है, अब वापिस दूसरी क्लास भी सामने है, इसलिए थोड़ा समय। हाँ बोलिए सर, आपको क्या पूछना है राहुल जी? सर जी, जैसे आत्मा धर्म से आप प्रश्न ही नहीं समझ, सेट नहीं कर पा रहे, बोलिए। ठीक है सर, छाया बहन बोलो। साहब जी, आप ही शब्द ने आटलू बधु महत्व आपो छो, पण सप्तवंगी में तो पहलो शब्द स्याद अस्ति स्याद नास्ति એવું બોલાય છે, તો ત્યાં શ્યાદ શબ્દ કેમ વાપરે છે? બાજી પહેલા તમે સ્પષ્ટ કરો, હવે તમને ડાયા કરવા કઈ રીતે, ત્યાં પણ શું છે ભાષા? શ્યાદ અસ્તિ એવ આત્મા, શ્યાદ નાસ્તિ એવ આત્મા, તમે એવકાર છોડી દીધું છે, તો શ્યાદ શબ્દ બરોબર કથનચિત અર્થ મેં એવકાર કો સ્પષ્ટ કરકે ચલેગા, વહાં પર ભી આપકો એવકાર એવ શબ્દ જોડકર હી બોલના હૈ। ऐसी गलती नहीं करना, मैं तुमने दाखलो तो आप क्यों के साधु महाराज ब्रह्मचर्य पालवू ज जोइए के पालवू पण जोइए। बराबर साहब जी, भूल थई गई। हां એટલે પહેલા બેસના ભૂલ થઈ એમ નહીં, હવે આ બધું આવું શીખવાડવામાં આવ્યું છે, આવું ચાલ્યું છે, એટલે લોકો ગલતી કરતે હૈ ઓર યે પીસી કો સેટ કર દિયા, માઇન્ડ સેટ કર દિયા હૈ। મેં ઓર આગે સ્પષ્ટ કરુંગા। બોલિયે ચોરડિયા જી, આપકો ક્યા પૂછના હૈ? महाराज, महाराज इस तरह हमने भी इस तरह पढ़ा महाराज, आपने जो अभी बोला आत्मा क्या कि नित्य ही है, और हमने मैंने से पढ़ा महाराज के द्रव्य जो है ना तो सर्वथा नित्य है ना सर्वथा अनित्य है, परिणाम ही नित्य है। आगे आगे अभी आगे आ रहे हैं, आगे आगे की बात छोड़ो, थोड़ी क्लास में पहले ये नहीं बैठेगा तो गलती हो जाएगी फिर। ठीक है, मैं यही बैठेगा तो को मिलाएंगे तब कैसे बोलना है वो बात मैं आगे करूंगा, अभी पहले करो तो खिचड़ी हो जाएगी, तो ये भी नहीं समझोगे वो भी नहीं समझोगे, तकलीफ। नमो हरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायानं, नमो लोहे सर्व साधुनं, एसो वज्ज नमो कारु सर्व पाप पनाशनो, मंगलानं च सर्वे सिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोलिभद्राद्या, जय नवरमोस्तु मंगलम। चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नतो ब्रह्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो ब्रह्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं ब्रह्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्व कल्याण कारणं, प्रधानं सर्व धर्मानां, जयं जयति शासनम्।